में हमारी सुरक्षा कहाँ है? भजन संहिता 91 में हम रिपीट करते हैं, ये बात सही है, करना चाहिए, लेकिन और भी कुछ है, क्योंकि अगर वचन को हम पावर के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वचन तो सब पढ़ते हैं, वैज्ञानिक भी वचन पढ़ते हैं, प्रभु पे विश्वास करने वाले भी पढ़ते हैं, और जो प्रभु के खिलाफ में वचन को यूज करना चाहते हैं वो भी वचन पढ़ते हैं। शैतान भी तो यीशु के भाई वचन से है ना, लेकिन हमको वचन कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे और वो है लूका के शुभ समाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्सेस 36। यस, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने पहले से ही बोला कि आने वाली समस्या, जब लूका इस पुस्तक को लिख रहा था तो शायद उसको हैजा या चिकनगुनिया या कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता था, शायद उसको नहीं पता था, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी, परमेश्वर की आत्मा जो उससे इस पवित्र वचन को लिखवा रही थी, जिस सवाल का जवाब हमसे कोई पूछता है कि बाइबल किसने लिखा, तो हमारा जवाब होता है पवित्र आत्मा ने। तो वो पवित्र आत्मा को मालूम था फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो कहता है कि आने वाली किससे विपत्तियों से बच सकें, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए लगातार हमको प्रार्थना करना है, लगातार हम उसको प्रार्थना में रहना है। आज हम वो मेडिसिंस बताएंगे जो हमें हर प्रकार के हालातों में चाहिए, और जो भी हमारे वर्ल्ड के अंदर हालात चल रहे हैं वो कैसे भी क्यों ना हो, और बहुत नई नई प्रकार की समस्याओं का सामना आज वर्ल्ड कर रहा है, तो उसमें क्या लिखा है कि आने वाली समस्याओं से आप बच जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर क्या है, वो लूका बोलता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उस पुस्तक को लिखते समय, जिसका नाम है लूका रचित शुभ समाचार, कि तुम क्या करो, प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाली समस्याओं से बचाए जा सको। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 12 अध्याय उसका 13 वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। जब विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, जब नाश करने वाला उस मेमने के लहू को देखेगा। मूसा ने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु से वचन को पाकर कहा इसराइलियों से कि मेमने का लहू अपने चौखटों पर लगा लें, ताकि जब विपत्ति आए, जब मिस्र पर नाश आए, या यूं कह लीजिए जब वर्ल्ड पर महामारी आए, जब कोरोना वायरस आए, तो कोरोना वायरस देखे इस भाई के ऊपर तो यीशु का लहू लगा है, इस मेमने का लहू इसके घर पे लगा है, परिवार पर इसका प्रभु यीशु का लहू लगा है, और जब वो लहू को देखेगा वो हमारा बहुत अच्छी महंगी गाड़ी को नहीं देखेगा, और उसके कारण उनको छोड़ेगा नहीं, वो हमारा इंटेलिजेंट हमारा डिग्रियों को नहीं देखेगा, हमारा बैंक बैलेंस को नहीं देखेगा, हमारा राजनीति में कितनी पहुंच और पकड़ है उसको नहीं देखेगा, लेकिन वो क्या देखेगा, यीशु का लहू। अगर यीशु का लहू लगा है तो वो हमारे बगल से निकल जाएगा और हम बच जाएंगे। मेरे प्रियो, लगातार प्रार्थना और हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु के लहू की महत्ता और यीशु के लहू को अपने ऊपर लगा हुआ महसूस करी करण हमको बचाएगा। प्रभु से कहें,
प्रभु हमें फिर लहू से धो दीजिए। हालेलुया। और तीसरा मेडिसिन हम देखेंगे इसी का, निर्गमन की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, इसका 9 अध्याय भी हम पढ़ेंगे और इसका 8, 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। इसी निर्गमन की पुस्तक जो बाइबल की दूसरी किताब है और उसका 9 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। सो अब लोगों को भेज कर अपने पशुओं को अपने मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे न किए जाए उन पर ओले गिरेंगे और मर जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कि क्या ये जो समाधान हमारा देश कर रहा है या वर्ल्ड कर रहा है कि घर में रहिए, क्या ये भी अकॉर्डिंग टू बाइबल है? हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मिस्र के राजा को कह दे कि जितने लोग घर में रहेंगे, घर की आड़ में रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे, वो बच जाएंगे, और जो मैदान में रहेंगे, जो खेतों में रहेंगे, वो विपत्ति के द्वारा मर जाएंगे। तो आज जो कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहिए, सर बिना बाइबल के नहीं कहा जा रहा है। हालेलुया। तो घर में रहने का जो विपत्ति से बचने का जो प्रोसीजर है, ये भी प्रभु के कलाम में है। अर्थात प्रभु का कलाम ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है कि अपने दासों की या अधिकारियों की बात को माने, और जब और जितने लोग उस दिन घर में रहे, जिस दिन ओले पड़ने थे, जितने लोग घर में रहे उनकी भेड़े उनके जानवर बच गए, पर जिन्होंने मूसा की बात को नहीं माना और चले गए मैदान में, चले गए बाहर, और वो नाश हो गए। प्रियो, प्रभु का वचन इन दिनों पालन प्रभु करा रहा है, इसलिए घबराइए मत, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जितने लोगों वचन को माना, जितने लोगों के परिशु का लहू लगा, और जो लोग प्रेयर में थे, वो आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है। अगर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ें, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्सेस 10, उसमें ऐसा लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरी बातों को माना है, इसे इग्नोर नहीं किया, इसको 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 बहुत महत्वपूर्ण समझा, इसको ऐसे ही हल्के में नहीं लिया, तूने जो मेरे धीरज के वचन को थामा है, जी तो इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा, हाँ? जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यस, सारे संसार पर है। आज कोरोना जो है सारे संसार पर है, आज दंगे आतंकवाद के हमले सारे संसार पर है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे वचन के लिए सीरियस रहे हो तो मैं भी सीरियस हूँ तुम्हें बचाने के लिए। धर्म से लेना देना नहीं है, जाति भाषा से लेना देना नहीं है, प्रांत और स्टेट से या फिर किसी और रंग और रूप से या पढ़े लिखे से या अनपढ़ से या पूंजीवाद से या गरीब से लेना देना नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे वचन के लिए सीरियस रहे हो, तुमने मेरे वचन को थामा है, तुमने धीरज के साथ मेरे वचन को थामा है, इसलिए संसार पर जो विपत्ति उसको परखने के लिए आती है, उसको आजमाइश के लिए आती है, उससे मैं तुम्हें क्या कर लूंगा, बचा लूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अद्भुत है। क्यों प्रभु हमको बचाना चाहता है, आप जानते हैं परमेश्वर कैसे हमको बचाएगा? आपने ये तो बता दिया कि प्रार्थना करें, आपने ये तो बता दिया कि वचन पर धीरज के साथ वचन को थामे रहें, आपने ये तो बता दिया कि भैया घर में रहें, लेकिन हम फिर बचेंगे कैसे हैं? क्या ऐसा होगा अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो ठीक है, लेकिन समस्या तो घर में भी आ सकती है, कैसे बचेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि जो हम पवित्रता में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है। अगर हम अय्यूब पढ़ें, अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे, फिर 10 वचन पढ़ेंगे। यस,
यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? जी, क्योंकि उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा और सीधा, और सीधा और मेरा भय मानने वाला, और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मनुष्य कोई नहीं है, खरा है और वो बुराई से दूर रहता है। वो खरा है और बुराई से दूर रहता है। तो प्रभु बचाएगा कैसे? दस वचन पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? जी, परमेश्वर ने क्या किया है अय्यूब की ओर, अय्यूब के परिवार की ओर, और जो कुछ अय्यूब का है उसके ओर बाड़ा बांधा। जब तक परमेश्वर परमेश्वर ना दे, जब तक परमेश्वर बाड़ा ना हटाए, उसे कोई छू भी नहीं सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आपके चारों ओर परमेश्वर अपना बाड़ा बांध के रखेगा, आपको कोई विपत्ति नहीं छू सकती है। कोई इधर दाएं 1,000 गिरेंगे, बाएं हाथ 10,000 गिरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दुष्ट छू नहीं सकता है, क्योंकि आपके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। लिखा है वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, अरे पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। ये सारी समस्या है क्या? पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है क्या कि हम प्रार्थना में लगे हुए हैं? इम्पोर्टेंट बात क्या है? क्या हम बुराई से दूर रहने वाले खरे मनुष्य हैं? इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्या हमने प्रभु के वचन को धीरज के साथ थामा है? इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर हम निर्गमन पढ़ें उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन हम अगर पढ़ ले तो, जी निर्गमन 15:26, जी निर्गमन 15:26, हाँ, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से और मन से सुने। कभी कभी हम तन से तो सुनते हैं लेकिन मन से नहीं सुन पाते हैं। तन होता है प्रभु के भवन में, लेकिन मन होता है कहीं और। मन होता है बाहर गाड़ी खड़ी है कोई लेना जाए, प्रभु पर भरोसा नहीं है। अरे अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा था, उसके संपत्ति के चारों ओर बाड़ा बांधा था, उसके परिवार के चारों ओर बाड़ा बांधा था। हालेलुया। लिखा अगर तू तन और मन से क्या करे, परमेश्वर का वचन को सुने। जब प्रभु का वचन को सुनते हैं सब कुछ स्टॉप कर दीजिए, उसको बोल दीजिए प्लीज थोड़ा देर बाद प्रभु का वचन को तन मन से सुने, तो जितने विपत्तियां मैंने मिस्र में भेजी हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगी। हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु का वचन अद्भुत है, सामर्थी है, आपके लिए लड़ सकता है। इसलिए प्रार्थना में, वचन में, अधीनता में बने रहें और आप आशीषित होंगे। आप क्या करें, अय्यूब के बारे में क्या लिखा है 8 वचन में, क्यों परमेश्वर ने उसके ओर बाड़ा बांधा? क्या लिखा है 1:8 में कि खरा और सीधा, वह खरा था, वह सीधा था। आज लोग बोलते हैं सीधे लोगों को, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा चालाक बनाओ भाई, हैं दुनिया बहुत बुरी है। भाई दुनिया किसे बनी है? दुनिया तो हमसे बनी है। अगर आज हम सीधे हैं, कल भाई सीधा है, परसों बहन सीधी है, दुनिया सीधी हो जाएगी। अगर आप बुरों में और बुराई बात करते जाएंगे तो दुनिया और बुरी होती जाएगी। तो अगर कुछ बुरे हैं भी तो क्या हुआ, सीधाई हम शुरू कर देते हैं। तो लिखा है अय्यूब कैसा था? खरा, सीधा, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। हम परमेश्वर का भय मानते हैं सर, हम ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन ड्रिंक वालों से थोड़ा दूर रहिए भैया। जब वो सोपी में आए तभी उनको वचन बता दीजिएगा, बुराई से दूर रहिए भैया। हालेलुया। अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रभु आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा, जिसे कोई कोरोना, कोई दंगा या कोई विपत्ति या कोई महामारी पार नहीं कर सकती। आप सब चंगे रहें,
प्रभु की नजदीकी में रहें, ताकि जब यीशु का आगमन हो तो हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य और उसके जाने के योग्य हों। सबको जय मसीह।